आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर देवघर जिला प्रशासन पुरजोर तैयारी में जुट चुका है। आज देवघर के सूचना भवन सभागार में इलेक्टोरल अवेयरनेस फॉर्म के साथ देवघर डीसी ने बैठक की। बैठक में सरकारी गैर सरकारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ इलेक्टोरल अवेयरनेस को लेकर जागरूकता फैलाई गई। मौके पर डीसी विशाल सागर ने बताया कि चुनाव की तारीख आ चुकी है, जिला प्रशासन चुनाव को लेकर लगातार तैयारी कर रही है। इसी कड़ी में आज वोटर अवेयरनेस कार्यक्रम किया गया, जिसमें सभी पदाधिकारी और गैर सरकारी कर्मचारियों को चुनाव को लेकर जागरूकता फैलाने को लेकर दिशा निर्देश दिए गए, जिसमें किस तरह से वो अपने सगे संबंधी सहित अन्य लोगों को जागरूक कर फॉर्म 6 भर चुनाव में भाग ले सके उसकी जानकारी दी, ताकि आगामी लोकसभा चुनाव में ज्यादा से ज्यादा लोग चुनाव बूथ पर पहुंचकर अपना मतदान कर सके। अभी पूरी अपने चरम सीमा पे है और इसके अंतर्गत एक मुख्य जो रोल है वो वोटर अवेयरनेस फोरम्स का होता है। वोटर अवेयरनेस फोरम्स जो है वो इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो गाइडलाइंस है उनके अंतर्गत इनको बनाया जाता है। मुख्यतः जो कॉर्पोरेट ऑफिसेज हैं या नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनमें वहाँ के जो कर्मी हैं और फिर उनके कर्मी जो हैं वो अपने मित्रों को और अपने परिवार में जाके बताएं, इलेक्शन प्रोसेस की जानकारी दी जाती है वोटर अवेयरनेस फोरम्स में, इलेक्शन से रिलेटेड जो प्रक्रिया है उसके बारे में जानकारी दी जा सकती है। एक मुख्य उद्देश्य है, क्योंकि वोटर अवेयरनेस फोरम्स स्वीप के अंतर्गत आती हैं, सिस्टमैटिक वोटर एजुकेशन एंड एनरोलमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत आती हैं, तो इसका उद्देश्य ये है कि कैसे सभी कर्मियों को बताया जाए, अपना नाम इलेक्टोरल रोल में वो लोग जुड़वाएं, फॉर्म 6 के माध्यम से इलेक्टोरल रोल में अपना नाम जुड़वा सकते हैं, बीएलओ के पास में जाकर दे सकते हैं, वोटर हेल्पलाइन ऐप के माध्यम से अपना नाम जुड़वा सकते हैं, या डायरेक्ट ईआरओ के पास में आकर अपना नाम जुड़वा सकते हैं। तो ये वोटर अवेयरनेस फोरम का मुख्य उद्देश्य है। इसी को लेकर हमारे यहाँ पे जो भी वोटर अवेयरनेस फोरम्स बने हुए हैं जिन जिन ऑर्गेनाइजेशन को, उनके साथ में मैंने बैठक की, उनको जानकारी दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील टीएमटी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील टीएमटी बार्स, रिश्ता मजबूती का।